हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट इन दिनों सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ इस बार राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 24 और प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिससे ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। गुरुग्राम से कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एक उम्मीदवार का नाम कुशेश्वर भगत का है। कुशेश्वर भगत कई सालों से गुरुग्राम के सेक्टर 15 में पाव भाजी की रेहड़ी लगा रहे हैं और उनकी पाव भाजी के लोग दीवाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज मिशन दक्षिण के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। वे दोनों राज्यों में कुल 3 जनसभाएं और एक रोड शो करेंगे। इसी दौरान उन्होंने तेलंगाना में राजा राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में एक गोट बैल है, जहाँ श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। इसे भगवान शिव का वाहन नंदी माना जाता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत कई बड़े नेताओं और अफसरों को मारने की साजिश रची गई थी। रूस ने यह साजिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने रूस की इस साजिश को नाकाम करने का दावा किया है, जिसमें ज़ेलेंस्की की सुरक्षा से जुड़े अफसर भी शामिल थे। ज़ेलेंस्की के खिलाफ ये साजिश भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के तरीके से मेल खाती है। इंदिरा गांधी को भी 1984 में उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही मार दिया था। इसी तरह से ज़ेलेंस्की के सुरक्षा कर्मियों को उनकी ही हत्या की साजिश में शामिल किया गया था, जिसे कीव की राज्य सुरक्षा सेवा ने विफल कर दिया। मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच में ही बड़ा फैसला किया है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को तेज धार के साथ लेकर आगे बढ़ रहे भतीजे आकाश आनंद के पर कतर दिए हैं। अपना उत्तराधिकारी बनाकर इस बार के आम चुनाव में लॉन्च कर चुकी मायावती ने 7 मई की शाम को बड़ा फैसला करते हुए आकाश को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। इस कदम से हर कोई हतप्रभ रह गया कि आखिर आकाश आनंद ने सीतापुर में दिए अपने भाषण में ऐसी कौन सी बात कह दी, जिससे नाराज मायावती ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मांग करने वाले सेना के एक जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला महाराष्ट्र के संभाजी नगर का है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता अंबादास दानवे से सेना के जवान ने ईवीएम हैकिंग के लिए यह मांग की थी। अंबादास दानवे ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए सेना के जवान मारुति धाकने को अरेस्ट कर लिया गया। 42 साल का मारुति धाकने दावा कर रहा था कि वह एक चिप के जरिए ईवीएम को हैक कर देगा। बीजेपी ने उद्योगपति नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जिंदल ने हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। वह 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। 2014 में वह हार गए थे, जबकि 2019 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। नवीन जिंदल बड़े उद्योगपति हैं और जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन हैं। नवीन जिंदल का जन्म 9 मार्च 1970 को हुआ था। उनकी माँ सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। उनके बड़े भाई सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नवीन जिंदल हरियाणा में बीजेपी के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में मंगलवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आयोजित मतदान में उत्साहपूर्वक एवं शांतिपूर्ण वातावरण में बड़े पैमाने पर मतदान करने के लिए राज्य के सभी मतदाता नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा समग्र चुनाव प्रक्रिया के सरल संचालन के लिए किए गए सुदृढ़ आयोजन के लिए भी आयोग एवं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े राज्य सरकार के संबद्ध विभागों, पुलिस प्रशासन तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा की भी प्रशंसा की। कांग्रेस की दो हाई प्रोफाइल सीटों अमेठी और रायबरेली में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। भले ही प्रियंका गांधी उम्मीदवार नहीं है, लेकिन इन दोनों जगहों पर पार्टी के प्रचार अभियान में सीनियर कांग्रेस नेता सबसे आगे हैं। उनके भाई राहुल गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हैं। वहीं गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। प्रियंका गांधी वाड्रा तूफानी आउटरीच अभियान की शुरुआत के साथ आज 9 नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर 66.01% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में डाले गए। यहां 75.39% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सीट विदिशा में 74.05% तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना में 71.53% वोटिंग हुई। सबसे कम भिंड सीट पर 54.87% मतदान हुआ। फिलहाल चुनाव आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी नहीं किए।
मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान कर्मियों को वापस ला रही बस में आग लग गई। ये बस 6 मतदान केंद्रों से मतदान सामग्री और कर्मचारियों को लेकर बैतूल जिला मुख्यालय आ रही थी, तभी यह घटना हुई। चुनाव संपन्न कराकर लौट रहे मतदान कर्मियों ने भी जल्दी बस से कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। हादसा सायखेड़ा थाना क्षेत्र के बिस्नूर और पौनेगोला गाँव के बीच हुआ। बैतूल, मुलताई और आठनेर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर फाइटर्स ने बस की आग बुझाई और अंदर रखी मतदान सामग्री को बाहर निकाला। मतदान कर्मचारियों और ईवीएम वीवीपैट मशीनों को लाने के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया गया।